बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रूस में विद्रोह के बाद पुतिन सख्ती दिखा सकते हैं। पुतिन ने आज रक्षा मंत्रालय की अहम बैठक बुलाई है। रूस के रक्षा मंत्री पर गाज गिर सकती है। बैठक से पहले पुतिन ने बड़ा बयान भी दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन से जंग हमारी प्राथमिकता है, इसलिए दूसरी बातें अब सेकेंडरी है। लेकिन आज की बैठक भी बेहद अहम है। पुतिन ने आज रक्षा मंत्रालय की एक बेहद अहम बैठक बुलाई है और माना यह जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है, जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने बागी रुख अख्तियार किया था। और उसके बाद माना जा रहा है कि एक बड़ा समझौता और उसके तहत ही अब रक्षा मंत्रालय से एक बड़ी जिम्मेदारी हटेगी और एक नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति हो सकती है। आज की इस बैठक की ओर दुनिया भर की निगाहें। रूस में विद्रोह की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई है। अभी से ये साफ भी नहीं है कि प्रिगोजिन आगे क्या करने वाले हैं और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का आगे क्या होगा। हालांकि तमाम तरह के कयास अब भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच दक्षिणी यूक्रेन में जबरदस्त जंग चल रही है। सेना का दावा यह है कि रूस में विद्रोह की खबर ने उनका हौसला बढ़ा दिया है और रूस का दावा यह है कि वो लगातार यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस वक्त रूस विद्रोह की आग में जल रहा था, जब वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी फौज को निशाना बना रहे थे, जब पुतिन के साथ पूरा क्रेमलिन विद्रोह को शांत कराने की कोशिश में जुटा था, उस वक्त युद्ध के मैदान में यूक्रेन अपनी रणनीति पर काम कर रहा था और बखमूत से अलग ज़ापोरिज़्या और डोनेस्क में अपनी जवाबी कार्रवाई को इस तरह से अंजाम दे रहा था कि रूस की फौज पर एक एक हमला भारी पड़ रहा था। तस्वीरें देखिए, यूक्रेन की स्पेशल फोर्स का एक जवान मोर्टार को लोड करता है, नीचे झुकता है और अपने कानों को ढक लेता है, क्योंकि हथियार छूट जाता है और फिर उसके सीने से लगे ड्रोन स्क्रीन में दिखता है कि इस हमले का कुछ किलोमीटर दूर रूसी सेना पर क्या प्रभाव पड़ा। यह यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या इलाका है, जहां पर यूक्रेन की सेना इसी तरह से पुतिन के पलटन को निशाना बना रही है। ज़ापोरिज़्या के कई सेक्टरों में यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने खुद को रीसेट किया और कई इलाकों में फ्रंट लाइन के तीन केंद्रों पर आक्रामक अभियान चला रहा है। Хлопці проводять штурмові дії передових позицій противника. От, противник завдає зараз ракет ударів по нашим підрозділам з реактивної системи залпового вогню, ймовірно, град. От, наші хлопці зараз на даних позиціях закріпилися, перебувають в укриттях і очікують подальших. Фух, бомба. Красиво відпрацювали. Всі доволі, ціль вражена. जेलेंस्की ने अपनी सेना के भीतर आग भर दी है। जेलेंस्की ने अपने सैनिकों को बता दिया है कि मौका अच्छा है। रूसी आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे समय में जब पुतिन की सबसे खूंखार प्राइवेट आर्मी फिर से खड़ी हो, ज़ापोरिज़्या और डोनेस्क में रूस की सेना पर जबरदस्त हमले करके उन्हें खदेड़ दिया जाए, क्योंकि अभी यूक्रेन की सेना के हौसले बुलंद हैं और रूस के जवान रूस में हो रही अंदरूनी संघर्षों की वजह से फिलहाल निराश होंगे। Ну, загалом чим більше ми чуємо, що там йдуть двіж, тобто ми піднімаємо дух свій тільки так. Надіємося на швидшу перемогу і що вони себе там всі з'їдять. यूक्रेन के उपरक्षा मंत्री हान्ना मालियर ने दावा किया है कि रूस की सेना अब आगे आने की कोशिश नहीं कर रही है और कई फ्रंट पर जबरदस्त लड़ाई जारी है। दक्षिण पूर्व फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को सिर्फ आरिफिफ में कामयाबी मिली है, जहां वो थोड़ा आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर वो रूसी रक्षा पंक्ति को तोड़ पाए
तो दक्षिण में मारियोपोल और बर्दियांस्का से ओजेस्के के सागर तक पहुंचा जा सकता है और रूस के क्राइमिया तक के लैंड कॉरिडोर को काट सकता है और रूस की सेना को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। यूक्रेन जरूर इस रणनीति पर काम कर रहा है और रूस में बिगड़े हालातों पर जश्न मना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूसी फौज की मार कम हुई है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे। ज़ापोरिज़्या से आई तस्वीरों में देखा गया कि यूक्रेन की फौज पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और बमों के हमले से बचने के लिए जवान बंकरों में घुसे हुए हैं। कई जवान जख्मी हो रहे हैं और यही यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मुसीबत है। जमीनी लड़ाई में रूस को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन वो यूक्रेन की फौज को भी आगे नहीं बढ़ने दे सकता। यही वजह है कि रूस एयर स्ट्राइक कर रहा है और इस हमले की जद में रिहायशी इलाके भी आ रहे हैं। शुक्रवार को रूस ने जबरदस्त हवाई हमलों को अंजाम दिया था, जिसमें आरिफेफ में 30 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं गई। उधर रूस दावा कर रहा है कि उसने एक दिन में यूक्रेन के 800 सैनिकों को मार दिया और यूक्रेन के 20 बड़े हमलों को नाकाम किया है। साफ है कि वैगनर ग्रुप के साथ जिस तरह के भी हालात हों, यूक्रेन में रूस की सेना शांत नहीं बैठी है और लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि ज़ापोरिज़्या के न्यूक्लियर प्लांट पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो रूस में बगावत खत्म और अब बदला शुरू हो चुका है, लेकिन विद्रोह खत्म होने के फॉर्मूले पर भी एक और कयास लगाया जा रहा है। और कयास ये लगाया जा रहा है कि अब वैगनर ग्रुप को नया टारगेट दिया गया है, जिसे प्रिगोजिन को बेलारूस के रास्ते अंजाम देना है। अब पश्चिमी मीडिया का दावा ये है कि वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके बेलारूस की धरती से यूक्रेन में दाखिल होंगे और कीव की ओर कूच करेंगे। मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। 23 जून से लेकर 24 जून की आधी रात तक वैगनर ने जो कुछ भी रूस में किया, उसे देखकर ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि 16 महीने की जंग में यूक्रेन को पहली बार पुतिन की सेना पर शानदार जीत हासिल होने वाली है। लेकिन अब पता चला है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी पेरोग्जिन ने पुतिन के साथ मिलकर ऐसा जंगी खेल खेला है जिसने न सिर्फ ज़ेलेंस्की को दहला दिया है, बल्कि नाटो और अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया है। अब यूक्रेन पर रूस के अलावा बेलारूस की तरफ से वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके हमले करने जा रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर वैगनर का हमला। जिस वक्त रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दाग रही थी, उस वक्त ज़ेलेंस्की अपने जनरलों के साथ बंकर में बैठकर एक ऐसे प्लान को लेकर बेहद खुश थे जो उन्हें रूस पर जीत हासिल करा सकता था। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि नाटो और पश्चिम के 81 देशों से मिले 15 लाख करोड़ के हथियार जो काम मॉस्को में नहीं कर पाए, वो काम अब पुतिन का ऐसा वफादार करने जा रहा है जो 16 महीने से चल रही जंग को खत्म करवा सकता है। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी पेरोग्जिन नाटो और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन देखिए, जैसे ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के मॉस्को और रोस्तोव पहुंचे, पुतिन ने सिर्फ 5 मिनट के संबोधन में सारा गेम पलट दिया। पुतिन ने साफ कहा कि जिन वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत में कब्जा किया है और अपनी जाने दी हैं, वो रूस के असली हीरो हैं। 5 मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। защитим и наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство.
Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране. अब सवाल उठता है कि क्या 16 महीने की जंग में बुरी तरह से हार रहा यूक्रेन वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर पुतिन को हराना चाहता था। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के खेरसोन, खार्किव, मिकोलाइव, लोहांस्क, ज़ापोरिज़्या और राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से हराया है। इस दौरान नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर को अपने साथ मिलाया जाए। बीच बीच में खबर आ रही थी कि ज़ेलेंस्की वैगनर चीफ येवगेनी पेरोग्जिन को तरह तरह के ऑफर दे रहे थे, यहाँ तक कि वो येवगेनी पेरोग्जिन को जंग खत्म होने पर सत्ता में बड़ा पद और बड़े इलाका भी देने को तैयार थे। लेकिन सवाल उठता है कि यूक्रेन और नेटो वैगनर ग्रुप पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा था, इसे भी जरा जान लीजिए। वैगनर ने ही पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार पर सबसे पहले कब्जा किया था। वैगनर के लड़ाकों ने ही सोलेदार के बाद बखमूत में 8 महीने में कब्जा किया। वैगनर लड़ाकों ने ही यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के सबसे शानदार कमांडो को मार डाला। वैगनर ने ही पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा करने में रूस की काफी मदद की। वैगनर के लड़ाकों की जबरदस्त लड़ने की क्षमता ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी। यूक्रेनी सेना के लड़ाके वैगनर के सामने टिक ही नहीं पाए। पुतिन पर वैगनर ग्रुप का जबरदस्त भरोसा होने की वजह से ज़ेलेंस्की वैगनर ग्रुप को तोड़ना चाहते थे। ज़ेलेंस्की को लगता था कि 25,000 वैगनर लड़ाके अगर एक बार मॉस्को पर कब्जा कर लेंगे तो रूसी सेना को आसानी से 30 दिन में हरा देंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप ने ज़ेलेंस्की की चाल में ज़ेलेंस्की को ही फंसा दिया।